तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर क्रीम पे वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि माइनक्राफ्ट को कैसे खेला जाता है, माइनक्राफ्ट पीई में। तो सबसे पहले, जैसे कि हमारे पूर्वज करा करते थे, वो सबसे पहले लकड़ियाँ काटते थे, तो इस गेम में भी वैसे ही करना है। हाँ, मैं गिर गया बेसिकली अभी फिलहाल। तो हम जैसे हुआ वुड काट लेते, ये वुड है। आपको पता है इस गेम में जो भी टूल्स हैं ना, वो वुड के बिना बन ही नहीं सकते हैं। ये बेसिकली इस गेम के ना है ना, बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि स्वॉर्ड, एक्स, पिकेक्स और शवल, फावड़ा कहते हैं ना देसी भाषा में। और साथ में इसके अलावा भी इसके ना बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बेसिक से बात करते हैं। वैसे गाइस, आपको ये जगह कैसी लगी? ये जगह बहुत मुश्किल से मिली, लेकिन ये जगह मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे है ना, ये आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक करना है अपन को। फिर अपन को क्या करना है, यहाँ पे क्राफ्टिंग आपको ऐसे खुलेगा, आपको कुछ नहीं करना। आपको इस चीज़ को पकड़ना है और वुड को वही यहाँ पे रख देना है। फिर ये बन जाएंगे चेरी प्रैंक्स, कैसे भी कोई सी भी वुड चलेगी। अब ये बन चुके हैं, अब हमें बनाने पड़ेंगे इनसे हथियार बनाने के स्टिक्स। ये जैसे कि स्टिक्स की रेसिपी ये रही, ये बन गए स्टिक्स। अब हम इनसे हथियार बना सकते हैं, हथियार जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अभी अगर हम हथियार नहीं बना सकते, अभी आपको बनाना भी मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिर प्लैंक्स को ऐसे ऐसे रखना है, बन जाएगी क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल को आपको ऐसे रखना है, फिर आपको क्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक एक्स, एक स्वॉर्ड। ओ, गड़बड़ हो गई गाइस। अब अपन को एक और वुड तोड़ के लानी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारे पास किसी चीज़ की कमी हो गई है। नहीं, बेसिकली हमें कोई कमी नहीं हुई है फिलहाल के, अभी तो नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक ये चीज़ें बचा रखी है। तो जल्दी से बना लेते हैं स्टिक्स। तो ये बन चुकी है स्टिक्स। अब हम बनाएंगे हमारे लिए पिकैक्स, जिनसे हम ना बहुत सारी चीज़ें तोड़ सकते हैं। तो हम चलते हैं अब, चलो चल जा। अब हम चलते हैं गाइस। गाइस देखो, इस गेम में है ना खाना ढूंढना भी पड़ेगा। तो फिलहाल ये हमारा खाना, ए रुक, वो ये जगह। तो गाइस, आपको इस तरह से एनिमल को भी मारना पड़ेगा इस गेम में। अब मैं थोड़ा खाना इकट्ठा कर लिया है। तो गाइस, अब हम है ना कलेक्ट करेंगे स्टोन्स, पत्थर। जैसे कि पुराने ज़माने में पत्थरों के हथियार होते थे ना, बेसिकली हमें भी इसी तरह से हथियार भी बनाने हैं। सबसे पहले हम माइन करेंगे इस डर्ट को, डर्ट है। गाइस वो आपको दिख रहा है ना, वो स्टोन है। वेरी गुड, आ चुका हूँ मैं जल्दी से यहाँ पे माइन कर लेता हूँ। गाइस ये स्टोन्स, और जल्दी से हम माइन करते थे स्टोन्स को, फिर अपन स्टोन के भी टूल्स बना सकते हैं। गाइस ये बन चुके हैं हमारे स्टोन। अब हम क्राफ्टिंग टेबल खोलनी है। अब आपको बनानी पड़ेंगे वुड स्टोन की एक्स। अब हम बनाएंगे एक स्टोन की पिकेक्स, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से अब हम तोड़ते थोड़ा स्टोन कलेक्ट करते हैं। गाइस वैसे आपने सुना होगा, उसमें लास्ट में ना मॉन्स्टर आते हैं, जैसे ज़ॉम्बी, वो भी आएंगे। गाइस वैसे मैं आपको बताना भूल गया, जैसे कई सारे और होते हैं, जैसे कि जो आयरन और है, वैसे ये बहुत मुश्किल से मिलता है, इन डायरेक्टली केव में मिलता है, लेकिन भी मुझे यहाँ पे मिल गया है। तो मैं जल्दी से आगे भी और चीज़ें कर लेता हूँ फास्ट फास्ट करके। सबसे पहले मुझे एक स्टिक बना लेनी चाहिए। अब मैं बनाऊँगा ये पिकैक्स। गाइस अब हम बनाएंगे आयरन के टूल्स। आयरन मतलब वो चीज़ें, आयरन एक तरह से ना बहुत पावरफुल चीज़ है गेम की। जैसे डायमंड है ना, डायमंड को कलेक्ट करने के लिए भी आपको आयरन की जरूरत पड़ेगी। ये मैं तोड़ चुका हूँ। गाइस अब मैं तोड़ रहा हूँ इन चीज़ों को, मैं बहुत सारा आयरन है।
गाइस अब देखो ये आयरन हो गया। अब आयरन को हम ऐसे इनके टूल से बना सकते हैं। अब हमें ज़रूरत होगी थोड़ी चीज़ों की। गाइस जैसा कि मैंने कहा था तो गाइस मैंने थोड़े माइन करी और मुझे कोल मिल गया। गाइस कोल से अपन है ना चीज़ें मतलब गर्म कर सकते हैं एक तरीके से, जैसे होता है ना अपने घरों में ऐसे ही। तो मैं जो चीज़ें कोल इकट्ठा कर देता हूँ। कोल बहुत कम है अभी गाइस, तो और आयरन है यहाँ पे, मैं देखो ही नहीं। यहाँ पे और कोल भी है, फिर इनको कलेक्ट कर लेते हैं, है ना गाइस। गाइस मैंने बहुत सारा कोल इकट्ठा कर लिया, तो अब हमें बनाना पड़ेगा फर्नेस। गाइस आपको याद होगा मैंने अभी स्टोन तोड़े थे, अब हम क्राफ्टिंग टेबल पे जाएंगे और क्राफ्टिंग टेबल से अब हमें इस पे जाना है, फिर हमें जल्दी से फर्नेस बनाना पड़ेगा। वो स्टोन्स कम पड़ के कोई बात नहीं, पर मैं भी माइन कर लेती जल्दी से। गाइस अब हम फर्नेस बना लेंगे जल्दी से। ये मैं आ गया, अब मैं बना लेता हूँ फर्नेस जल्दी से। तो गाइस फर्नेस बनने वाला है, ओह सॉरी ये बन चुका है फर्नेस, ये रहा। अब गाइस अब हम इन फर्नेस को इधर रखेंगे, अब हम इस पर क्लिक करेंगे। अब गाइस हमें क्या जो हमने आयरन इकट्ठा करा था, अब हमें उसके यहाँ पे रखना है, फिर यहाँ पे ये डाल लेना है। इससे क्या होगा आप देखो, ये फर्नेस अब चालू हो चुका है, अपनी चीज़ों का मेल्ट कर रहा है, पिघला रहा है एक तरीके से। ये जल्दी से काम करते जब तक अपन है ना और भी आगे की बात कर लेंगे, जब तक वो मेल्ट हो रहे हैं 2 मिनट। जैसे कि आप देख सकते हो 2000 घंटे बाद ये आखिरकार इसने 4 इंगट बना लिए हैं। अभी जो और बना रहा है जब तक हम आगे की चीज़ें कर लेते हैं, वो ही हमें क्राफ्टिंग टेबल। अब हम बनाएंगे हमारी स्पेशल चीज़, अब हम आयरन के हथियार बनाएंगे बेसिकली। अब हम आयरन के हथियार बनाने के लिए भी स्टिक्स तो चाहिए कि आखिरकार, स्टिक्स के बिना कुछ हो भी तो सकता नहीं है। कितने आयरन इंगट बने अभी तक, तो एक बना। अरे हम सब ले लेते हैं, अब हो चुका है ख़त्म हमारा कोल, मतलब अब इतना ही आयरन था हमारे पास। अब हम बनाते हैं टूल्स, तो हम सबसे पहले बनाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है एक पिकेक्स। इससे डायमंड भी ढूंढ सकते हो, माइन कर सकते हो वगैरह वगैरह। एक आयरन की एक्स, अब जो बचा वो बना लेंगे। शवल शवल अब अभी थोड़ा आयरन बचा लेते हैं, बाद में काम आएगा। अब हम चलते ऊपर थोड़ा घूम के आते हैं, है ना। गाइस अब इसको भूख भी लग रही है, एक काम करते मैं खाना पका लेता हूँ। अपन को इसमें खाना भी पकाना पड़ेगा, वरना खाना टेस्ट नहीं लगेगा अपने प्लेयर को। आखिरकार है ही अपना प्लेयर ऐसा। ये डाला मैंने कोल, ये डाला मैंने ये, अब जल्दी से ये कॉल को बना लेगा। जल्दी बना भाई साहब, भूख लग रही है बहुत तेज। जब तक मैं थोड़ा और कोल इकट्ठा कर लेता हूँ। गाइस आखिरकार कोल ख़त्म हो चुका है इधर, अब तक तो बन गया होगा कुछ ना कुछ तो। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कोल बन चुका है, अब मैं जल्दी से तो खा लेता हूँ। गाइस अब मैं चलता हूँ ऊपर, बहुत हो गया जो है वो लेके चलो अब ऊपर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अब हम। गाइस अब हम चलते हैं ऊपर फटाफट से, तो ये ली मैंने डॉट। तो कुछ लोगों को ऊपर चलने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे एक बटन दिख रहा है जिसे जंप होता है, आपको जंप को दबा के जल्दी से ब्लॉक प्लेस करना है लाइक दिस, फिर आप ऊपर आ जाओगे। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया ये है घोड़ा, आप इसको टेम कर सकते हो। नहीं अभी मुझे इससे कोई जरूरत नहीं है, अभी गिर सक अभी इसको गिर जाना चाहिए फिलहाल, क्योंकि अभी ये मेरे किसी काम का नहीं मर। तो मैंने इससे मार कर लेदर ले लिया है। ये शिप है, इसके अब इससे अपन बैट बना सकते हैं। वो रैबिट गाइस ये रैबिट है। अब मैं बात करता हूँ रात होने पे क्या होता है, रात होने पे ये जगह बहुत डेंजरस हो जाती है, आपको बड़े यकीन नहीं हो रहा। अभी ये जगह कितनी मस्त लग रही है। अब हम थोड़ा रात होने का इंतज़ार करते हैं, अब 2 मिनट ठीक है गाइस। तो गाइस अब रात हो चुकी है
हम यहाँ पे जोम्बी सेंगे, एक जोम्बी वो खड़ा, वो देखो गाइस, वो जो प्राणी दिख रहा है ना उसी को जोम्बी कहते हैं। ये क्रीपर है जो हरा हरा सा है ना, और वो स्पाइडर है 8 पैर वाली, वो भी ये सब अपन को है ना मारते रात होने पे। ये देखो ये जोम्बी विलेजर्स, ये है ना जब जोम्बी विलेजर गाइस वो होते हैं, जब जो विलेजर होते हैं ना, जो विलेजर पाए जाते हैं उनको जब एक जोम्बी मार देता है, जब वो है ना जोम्बी विलेजर बन जाते हैं। अब गाइस है ना रात में आपको है ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है खुद का, क्योंकि जोम्बी आपको कभी भी आके मार सकता है। तो जोम्बी से बचने के लिए आप या तो पेड़ पे चढ़ जाओ, या फिर जैसे मैं कह रहा हूँ स्मार्ट लॉक वो करते हैं, वो देखो वो हड्डी स्केलेटन वो आपको है ना एरो से मारेगा। जैसे कि मैं कह रहा हूँ आप वैसे कर सकते हो। वैसे कुछ बेवकूफ़ लोग फर्स्ट में उनसे रन चले जाते हैं, रनना अच्छी बात है, लेकिन रात में उनसे पंगा लेना केव में होता है, पहले मान लेते केव में हो वो हमला करे तो अपन को मानना पड़ता है, लेकिन अभी वो बेचारे अपन को मार ही नहीं सकते। वो देखो ऊपर, वो देखो देख ले ये अभी मारेंगे गाइस। तो इस वक्त में आपको क्या करना है, बस सिंपल काम है, ये भी आपको मारने की कोशिश करेंगे। आपको अपने लिए एक छोटा सा घर बना लेना, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, बना ही नहीं कुछ। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब आगे की जो बेसिक चीज़ें होती है वो सब बताऊँगा। आज के लिए इतने ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करते हुए, बाय बाय, थैंक्स फॉर।